यदि आप पानी पूरी खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपको जाना पड़ सकता है अस्पताल। देवरिया जिले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां चंद रुपयों की लालच में फुल्की वाले आपके जान से कर रहे हैं खिलवाड़। देवरिया जनपद जहां पानी पूरी खाने वाले शौकीन ठेले खुमचों पर लाइन लगाकर पानी पूरी खाते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि उनके जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर के चकिया मोहल्ले में पानी पूरी बनाने वालों की पड़ताल की तो वहां का नजारा कुछ और ही था। यहां पर केमिकल और रंगों से मुंह का जायका बढ़ाने के लिए स्वादिष्ट पानी को तैयार किया जा रहा था। प्लास्टिक के डब्बों में इस स्वादिष्ट पानी को रखा गया था, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, और यह सब सेहत के लिए हानिकारक है। अब जरा गोलगप्पे यानी फुल्की पर निगाहें डालिए, जिसे तलकर जमीन पर रखा जा रहा था, जहां पर सफाई व्यवस्था भी नहीं थी, या मानो पूरा पानी पूरी गंदगी के अंबार में बन रहा है। मटर के छोले को तैयार करते समय पीले रंग का प्रयोग किया जा रहा था और तैयार मटर के छोले पर काफी मात्रा में मक्खियां बैठी हुई थी। वहीं जब हमने पानी पूरी बनाने वाले से पूछा तो उनका कहना था कि हम लोग पानी में जीरा, काला नमक, जलजीरा डालकर बनाते हैं और पानी को हरा करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं और छोले को पीला करने के लिए पीले रंग का प्रयोग करते हैं और सब रंग सिंथेटिक कलर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी कहते हैं कि विभाग समय समय पर अभियान चलाता है और इस बार योजनाबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। सिंथेटिक रंगों का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो कार्यवाही की जाएगी। और किस लिए डालते हो पानी में? हरा कलर है ना? कलर हरा है पानी में डालते हो? क्यों डालते हो पानी में? हरा हो जाता है। हरा के लिए? इससे कोई नुकसान नहीं है? नहीं। मान लो जैसे बड़ा बड़ा बेचते हैं ना, वो कलर बनाते हैं लाल, पीला, हरा, ऐसे इसीलिए डालते हैं। वही जीरा, धनिया, जंजीरा, इमली और मिर्चा, नमक और इमली, बस यही सामग्री करती है। पानी पूरी बनाकर फर्श में रख रहे हो? इसमें पानी पूरी बनाकर के फर्श में फेंक रखा है तो क्या इसे इंस्ट्रक्शन नहीं होगा? नहीं नहीं, उसको मतलब साफ सुथरा करके प्लास्टिक बिछा के उस पर डालते हैं, फर्श पे नहीं रखा जाता। और प्लास्टिक के डब्बे में वो पानी बेच रहे हैं, क्या इन्फेक्शन नहीं होगा इन लोगों को? प्लास्टिक के डब्बे में मतलब साफ सुथरा करके इसीलिए नहीं वो बेच रहे हैं सर? प्लास्टिक के डब्बों में कलर मिला करके लोगों को खिला पिला रहे हैं। जनपद में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय समय में निरीक्षण किया जा रहा है, भविष्य में भी जो है कार्यवाही कराई जाएगी। दो दिन अभियान चला है और भविष्य में कराया जाएगा, अनवरत इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। अगर इस तरह कोई शिकायत आती है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्यवाही कराई जाएगी। पानी मिला के कलर में मिला करके पानी बेचा जा रहा है तो क्या स्वास्थ्य के लिए सही है? अगर फूड कलर है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन है कि निर्धारित मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।